देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस राज्य में टैक्सी लेकर बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर किसी पैसेंजर का वेट कर रहा था कि तभी मेरी नज़र स्टेशन से बाहर निकलते हुए एक लड़की पर गई। उस लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखकर मैंने सोचा कि काश पैसेंजर आकर मेरी टैक्सी में बैठ जाए, क्योंकि मेरी ही तरह स्टेशन पर और 3 टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर का वेट कर रहे थे। हम चारों में यही बात हुई थी कि कोई भी पैसेंजर को अपनी टैक्सी में बैठाने के लिए नहीं बोलेगा। पैसेंजर को जिस टैक्सी पर बैठना होगा वो आकर बैठ जाएगा और वो चुपचाप पैसेंजर को लेकर चला जाएगा। अब हम सभी मन ही मन सोच रहे थे कि पैसेंजर मेरे ही टैक्सी में बैठे, और अभी रात के 10 बजने को थे तो हम सभी की नज़र उस लड़की पर ही थी। वो लड़की उन सभी को छोड़कर मेरे पास आकर रुकी। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उसकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा रोई हो। मैं उस लड़की से ही पूछने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने कहा, भैया मुझे दानपुर जाना है। उस लड़की के इतना कहने पर मैंने उस लड़की को टैक्सी में बैठने के लिए बोला। मेरे इतना कहने पर उस लड़की ने बताया कि मेरी बहन की डेड बॉडी है, उसको लेकर घर जाना है। दोस्तों, उस लड़की की बात सुनकर मैं घबरा गया और घबराते हुए बोला, डेड बॉडी? तो उसने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। अब मैं इस लड़की को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं आज इस पैसेंजर को लेकर नहीं गया तो फिर मैं यहाँ पर कभी भी अपनी टैक्सी नहीं ला सकूँगा। अब ये सोचकर मैंने उस लड़की से उस डेड बॉडी को लेने के लिए कहा। मेरे इतना कहने पर वो लड़की स्टेशन के अंदर गई और वो खुद उस डेड बॉडी को उठाकर स्टेशन से बाहर लेकर आई। उस लड़की को इस तरह डेड बॉडी को लाते हुए देखकर मैं हैरान था, क्योंकि वो लड़की बॉडी को ऐसे उठाकर ला रही थी जैसे कोई खिलौना हो। अभी मैं उस लड़की को ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने टैक्सी के गेट को खोलने का इशारा किया। उस लड़की के इशारा करते ही मैंने गेट खोल दिया, पर अभी भी मेरी नज़र उसी लड़की पर ही थी। वो लड़की उस डेड बॉडी को लेकर टैक्सी के अंदर बैठ गई। टैक्सी के अंदर बैठते उस लड़की ने मुझसे चलने के लिए कहा। अब उस लड़की के इतना कहने पर मैं टैक्सी लेकर दानपुर के लिए जाने लगा। अभी मैं टैक्सी ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र टैक्सी में लगे मिरर पर गई। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। दरअसल मैंने देखा कि उस लड़की के पास उसी तरह की एक और लड़की थी, पर उस लड़की की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और उसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे। अब ये देखकर जब मैंने डरते हुए पीछे की तरफ देखा तो पीछे वही लड़की अकेली बैठी थी। फिर जब दोबारा मैंने मिरर की ओर देखा तो वही एक ही लड़की थी। अब ये देखकर मैं हैरान हो गया कि अभी जो कुछ समय पहले मैंने देखा था वो सब क्या था। शायद ये मेरा वहम था। अब यही सोचते हुए मैं ड्राइव करते दानपुर की ओर बढ़ता रहा। अभी मैं यही सोच रहा था कि वो सफ़ेद आँखों वाली लड़की कौन थी कि तभी मेरी नज़र दोबारा मिरर में गई। उसे देखकर मेरी दिल की धड़कनें अब बहुत ही तेज हो गई थी। दरअसल मैंने देखा जो मैं डेड बॉडी को लेकर जा रहा था वो डेड बॉडी उस लड़की के रूप में बदल गई। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने कुछ समय पहले देखा था वो सब सच था। अभी मैं डरा से मैं टैक्सी को ड्राइव करते हुए आगे की ओर ही बढ़ रहा था कि तभी देखते ही देखते उन दोनों की आंखें सफ़ेद हो गई और तभी फिर से वो गायब हो गई। दूसरी लड़की के गायब होते ही उस लड़की की आंखें जो सफ़ेद थी वो नॉर्मल हो गई, और ये देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। पर मैंने इस लड़की को टैक्सी में बैठा कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, पर अभी तक मैंने उस लड़की को ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे उसके बारे में ये पता है। अगर उसे पता चल गया तो वो शायद हमें जिंदा ही ना छोड़े। ये सोचकर मैं अपने डर को काबू में करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक रोड के दाईं तरफ एक कुआं दिखाई देगा, उसी कुएं के पास गाड़ी रोक देना। उस लड़की की ये बात सुनकर मेरी घबराहट अब और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जब ये लड़की टैक्सी में बैठने के लिए बोल रही थी कि हमें दानपुर जाना है, पर अब ये किसी कुएं के पास रुकने के लिए बोल रही थी। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि तभी जिस लड़की को मैंने पीछे देखा था वो लड़की मेरे बगल में आकर सीट पर बैठ गई। उसे आगे की सीट पर बैठा हुआ देखकर एक पल के लिए मेरा शरीर सुन पड़ गया। देखते ही देखते वो फिर से अचानक से गायब हो गई। अभी मैं उस तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरी टैक्सी रोड से उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराते ही मेरा सर स्टीयरिंग से जा टकरा गया। स्टीयरिंग से टकराते ही मेरी आंखों के सामने
अंधेरा छा गया और जब कुछ समय के बाद मेरी आंखें खुली तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो अभी गाड़ी में था और वो लड़की कहाँ पर है। अभी मैं यही सब सोचते हुए उस अंधेरे में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था कि तभी मेरा पैर किसी से टकरा गया और पैर के टकराते में वहीं पर गिर पड़ा। मैं जब नीचे गिरा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के ऊपर गिरा हूँ और मेरे हाथों में एक अजीब सा चिपचिपापन महसूस हो रहा था। अभी मैं उठकर खड़ा ही हो रहा था कि तभी एक अजीब सी रोशनी आई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मैं सामने की ओर देख नहीं सकता था, तो मैंने अपने हाथों को सामने करके देखने की कोशिश की कि तभी मेरी नज़र नीचे पड़ी उस बॉडी पर गई जिसे मैं दानपुर छोड़ने के लिए निकला था, पर उस लड़की का सर नहीं था। और जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो वहाँ पर बहुत ही सारी डेड बॉडी थी पर किसी का सर नहीं था। अब ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि आखिर ये किसने किया होगा। अब मैं डरा सहमा वहीं पर खड़ा होकर जब मैंने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो उसे देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही पुराना घर है और उस घर के अंदर मैं बंद हूँ। ये देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ कि तभी मेरी नज़र एक छोटे से दरवाजे पर गई जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अब ये सोचकर मैं उस दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से वो रोशनी बंद हो गई। उस रोशनी के बंद होते अब मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सोचकर मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा था कि वो दरवाज़ा सामने ही है। अभी मैं उस दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरा पैर फिर से टकरा गया। पैर के टकराते मैं उस दरवाजे के पास जा गिरा और जब मैंने उस दरवाजे को खोला तो उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दरअसल मैंने देखा कि एक बच्ची किसी आदमी का खून पी रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी जैसे कि उस लड़की की थी। उस बच्ची को उस आदमी का खून पीता हुआ देखकर मेरे हाथ पर कांप रहे थे। मेरे हाथ पर इस तरह से कांप रहे थे कि मैं उस दरवाजे को भी बंद नहीं कर पा रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया और उसी दरवाजे के पास बैठ गया। उस बच्ची का ये भयानक रूप देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा था कि इन सभी की तरह मैं भी मारा जाऊंगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो दरवाज़ा अचानक से खुल गया और दरवाजे के खुलते उस दरवाजे के अंदर से एक रोशनी आने लगी और वो रोशनी जिस बॉडी पर पड़ रही थी तो वो बॉडी उठकर उस दरवाजे के अंदर जाने लगी। अब ये देखकर मेरी सांसें थम सी गई थी। मैं डरा सहमा वैसे ही दरवाजे के पास बैठा रहा और देखते ही देखते सभी डेड बॉडी उस दरवाजे के अंदर चली गई और उन सभी के जाते ही वो दरवाज़ा भी बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही चारों तरफ एक घोर अंधेरा छा गया। अब इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ समय बाद जब कोई भी हलचल नहीं हुई तो मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा कि शायद यहाँ से मैं निकल सकूँ। मेरी लाख कोशिश करने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खुला और थक हार कर मैं उसी दरवाजे के पास बैठा रहा। अभी मैं उस दरवाजे के एक तरफ बैठा ही था कि तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी, पर उस आहट को सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। अभी मैं डरा हुआ उस दरवाजे के पास बैठा ही था कि तभी अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया और उस दरवाजे के खुलते ही फिर से उसी तरह की रोशनी आने लगी। अभी मैं उस रोशनी की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस रोशनी को देखकर मैंने जब उस दरवाजे की ओर देखा तो वो बच्ची आ रही थी। अभी मैं दरवाजे से छिपकर उस बच्ची को ही देख रहा था कि तभी वो बच्ची उसी लड़की की तरह बदल गई जिसे मैं स्टेशन से लेकर आया था। अभी मैं उस बच्ची की ओर ही देख रहा था कि तभी वो एक डैन के रूप में बदल गई जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी और उसके लंबे लंबे बाल और उसके लंबे नाखून और उसके चेहरे पर एक अजीब तरह के कट थे जिससे वो और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसका ये रूप देखकर मेरी एक पल के लिए सांसें ही रुक गई थी। अभी भी मेरी ही नज़र उसी की तरफ थी कि तभी वो सभी डेड बॉडी वापस आने लगी। अंदर आते ही वो डेड बॉडी पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर पहले जैसी हो गई और उन सभी के अंदर आते ही वो दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही फिर से अंधेरा छा गया और जब मैंने उस दरवाजे पर हाथ फेरा तो वो दरवाज़ा फिर से खुल गया। जब मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर देखा तो वो भयानक डैन सामने खड़ी थी। उसे सामने देखकर मैं वहीं पर चुपचाप बैठा रहा और उसके जाने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद जब वो डैन वहाँ से चली गई तो मैं दरवाजे को खोल कर उस कमरे से बाहर निकल गया, पर बाहर अंदर के मुकाबले थोड़ा कम अंधेरा था क्योंकि यहाँ पर मुझे
कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। अभी मैं वहां से बाहर निकलने के लिए आगे की ओर बढ़ी रहा था कि तभी मेरी नज़र एक टेबल पर गई। उसे देखकर मैं वहीं पर रुक गया। मैंने देखा कि उस टेबल पर उन सभी डेड बॉडी का सर रखा हुआ था, क्योंकि उस सर में उस लड़की का भी सर था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन सभी सरों के बीच में उस लड़की का भी सर मौजूद था, जिसे देखकर ये साफ था कि अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो इन सभी सर के साथ मेरा भी सर यहाँ पर होगा। अब ये सोचकर मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे आगे एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिससे रोशनी आ रही थी। फिर जब मैं उस दरवाजे के पास पहुँचा तो किसी ने मेरा कपड़ा पकड़ लिया, और कपड़ा पकड़ते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया कि शायद वो डायन आ गई है और अब तो मेरा मरना तय है। डरते हुए जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और मेरा ये कपड़ा एक कील में फंस गया था। ये देखकर मेरी जान में जान आई। फिर जैसे तैसे करके तुरंत ही मैंने अपना कपड़ा उस कील से बाहर निकाला और उस दरवाजे को खोलकर मैं उसमें से बाहर आ गया। फिर मैंने देखा कि अब मैं उस कुएं के अंदर था। फिर मैं उसी कुएं में लगी सीढ़ी के सहारे बाहर आ गया, और जब मैंने कुएं के अंदर बाहर निकलकर देखा तो कुएं में पानी था, पर उस कुएं के अंदर पानी नहीं बल्कि ये उन सभी डायनों का एक छलावा था। अभी मैं उस कुएं की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन डायनों पर गई जो इस कुएं की तरफ आ रही थी, पर उनके साथ ही मेरी तरह एक लड़का था जिसे एक डायन ने कंधे पर उठाकर रखा हुआ था। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देखकर मैं वहीं एक पेड़ के पीछे छिप गया, पर वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हुए आ रहे थे। जब वो दोनों कुएं के पास पहुंचे तो मैंने सुना कि आज इन दोनों की बलि देनी है जिससे हम दोनों और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तभी वो दोनों ये बातें करते हुए उस कुएं के अंदर चली गईं, और उन दोनों के कुएं के अंदर जाते ही मैं वहाँ से भागते हुए हाईवे पर आ गया। और अभी मैं हाईवे पर पहुंचा ही था कि वैसे ही मुझे सामने से एक रोशनी फिर से आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर मुझे लगा शायद ये कोई कार आ रही है। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर मैं उसे रोकने का इशारा करने लगा। मुझे इशारा करता हुआ देखकर वो कार मेरे पास आकर रुकी। कार के रुकते उस कार ड्राइवर ने मुझे कार के अंदर बैठने के लिए कहा। उसके इतना कहते ही मैं कार के अंदर बैठ गया और मेरे बैठते वो कार लेकर आगे की ओर जाने लगी कि तभी उस आदमी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर डायनों का गढ़ है। उस आदमी के इतना कहते ही मैंने उस आदमी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। फिर उस आदमी ने मुझे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया और वहीं पर सुबह होने का मैं वेट करने लगा। वेट करते करते मेरी आँख लग गई, और जब सुबह मेरी आँख खुली तो आसमान में सूर्य उदय हो रहा था। तभी मैं वहाँ से बस पकड़कर अपने घर आ गया। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।